वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु। मिथुन राशि वारो, मंगलवार का दिन 13 सितंबर आसिन माह कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि वृद्धि योग रेपती नक्षत्र स्वामी बुद्ध बृहस्पति के साथ 6:36 तक अपने प्रभाव से आपको प्रभावित करेंगे। उसके बाद अश्वनी नक्षत्र का केतु और मंगल का प्रभाव होगा। आज आपकी कुंडली में बुध केतु, मंगल का प्रभाव, राहु की छाया, बृहस्पति और शनि की दृष्टि। मिथुन राशि वालों, आपके लग्न का स्वामी बुध है। बुध जब लग्न का स्वामी होता है तो आपका पर्सनालिटी, आपकी जीवन की दिशा बुध तय करता है। आज बुध की स्थिति रेपती नक्षत्र में अति शुभ है। बुध इस समय अपने घर में गोचर कर रहा है। बुध इस समय उच्च का होकर गोचर कर रहा है। बुध मिथुन राशि वालों के लिए लग्न का स्वामी है। बुध के प्रभाव से ही आपके जीवन में खुशी और सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए बुध लग्न का भी स्वामी है और सुख स्थान का भी स्वामी है। धन स्थान का स्वामी चंद्रमा और पराक्रम स्थान का स्वामी सूर्य, भाग्य स्थान का स्वामी शनि और कर्म स्थान का स्वामी बृहस्पति। आज आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, चेहरे पर चमक होगी। आज तो तकदीर का सितारा बुलंद है। आज आपके जीवन में कोई नया काम होने वाला है। आज आपके जीवन में शुभ समाचार मिलने वाला है, क्योंकि आज बुध केतु, मंगल का प्रभाव, राहु की छाया, बृहस्पति और शनि की दृष्टि है। आज आपका जोश बड़ा हाई होगा, मन में विश्वास, कुछ करने का, कुछ पाने का। आज आपके इरादे बुलंद हैं, कोई रोक नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। आपकी शक्ति केतु के कारण सक्रिय हो रही है, जबकि बुध के कारण भाग्य का पुनः जागरण हो रहा है। ऊर्जा शक्ति मंगल लेकर आया है। आप नई सृष्टि रचने में सक्षम हैं। लक्ष्य प्राप्त करने की उत्सुकता, विलक्षण कार्य करने का साहस। आज ये मिथुन राशि वालों के लिए जीवन में बड़े लाभ और तरक्की का अवसर है, क्योंकि आपकी कुंडली के लाभ स्थान में राहु बैठा है, जबकि पंचम भाव में केतु का गोचर है। द्वादश में मंगल बैठा है तो अष्टम भाव में शनि का गोचर, कर्म स्थान में बृहस्पति के साथ चंद्रमा का उदय होना और चंद्रमा 6:36 पर आपकी कुंडली के लाभ स्थान में गोचर करेगा। आज आपकी कुंडली के पराक्रम स्थान में सूर्य शुक्र का गोचर और सुख स्थान में बुध का गोचर। बड़ा भाग्यशाली योग है। भाग्य का सितारा चमक रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली में लग्न का स्वामी और सुख स्थान का स्वामी बुध है। बुध जब शुभ होता है तो नई नौकरी, अच्छे रिश्ते, लाभ की संभावना। बुध जब शुभ होता है तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, विलक्षण कार्य करते हैं। आज का दिन बुध के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है। बुध और बृहस्पति समसप्तक योग बना रहा है। बृहस्पति जो धन देता है, सुख देता है, समृद्धि देता है, वहीं बुध आपको इंटेलिजेंट बनाता है, आपकी बुद्धिमानी को और भी ज़्यादा सुंदर बनाता है, जिसके कारण शानदार सफलता आप पाते हैं। जीवन में पहले संघर्ष होता है, फिर जीवन का सुख है आपको प्राप्त होता है। आज आपकी कुंडली में केतु आपकी कुंडली का सेनापति है, जबकि मंगल के कारण अचानक कोई घटना आपके जीवन में घटेगी जो बहुत शुभ लाभ देगा, जो आपके जीवन में तरक्की, सौभाग्य को बढ़ाएगा। आज मंगल केतु कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ाएगा, जहां भी रहेंगे बॉस बन के रहेंगे, जहां भी काम करेंगे आप बॉस बनकर करेंगे, धन की कमी नहीं होगी, कहीं ना कहीं से आप धन कमा ही लेंगे। आज आपके शत्रु देखते रह जाएंगे,
सफलता कामयाबी आप प्राप्त करते जाएंगे। आज आपका नेम और फेम दोनों आपके जीवन में आपकी लोकप्रियता को बढ़ाएगा, इच्छा की पूर्ति करेगा, आपके स्टेटस को बढ़ाएगा, आपकी तरक्की आपकी प्रतिष्ठा केतु मंगल बुध से प्राप्त होगा। वहीं बृहस्पति और शनि आपकी मनोकामना को पूरा करेगा। आज आपके जीवन में बड़ा सुख है, सौभाग्य का योग है। कार्यस्थल से लाभ, नौकरी व्यापार में धन, आप जो भी करेंगे सफल होंगे, बड़ी सफलता मिलेगी। स्टूडेंट के लिए समय बेहद ही शुभ है। आज बुध केतु और मंगल अश्वनी नक्षत्र का स्वामी केतु और रेपती नक्षत्र का स्वामी बुध वृद्धि योग में मिथुन राशि वालों के जीवन में शोहरत, इज्जत और धन लेकर आया है। आज बुध और मंगल दोनों चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहा है। बुध हस्त नक्षत्र में, मंगल रोहिणी नक्षत्र में, बुध के धन स्थान में केतु का गोचर, बुध के पंचम भाव में शनि का गोचर, वहीं मंगल के सुख स्थान में सूर्य का गोचर, लाभ स्थान में बृहस्पति का गोचर, चंद्रमा के धन स्थान में मंगल और केतु विशाखा नक्षत्र में बृहस्पति के घर में गोचर कर रहा है। केतु के सुख स्थान में शनि, लाभ स्थान में शुक्र और सप्तम भाव में राहु का गोचर है। साहस शक्ति आपकी समझदारी, संपत्ति, सुख और धन को बढ़ाता है। आज मिथुन राशि वालों के जीवन में बड़ी खुशखबरी, बड़ी सफलता, बड़े लाभ का अवसर प्राप्त होगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:32 से 5:19 का समय बुध के प्रभाव में दिन की शानदार शुरुआत है। बुध जो आपके लग्न का स्वामी है, जो सुख स्थान का स्वामी है, आपके जीवन में आपकी किस्मत को चमकाएगा। वहीं सर्वा सिद्धि, अमृत सिद्धि 6:36 अश्वनी नक्षत्र में केतु मंगल के प्रभाव से जीवन में खुशी, सुख और धन की प्राप्ति होगी। आज आपके लग्न का स्वामी आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा है। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:52 से 12:42 का समय बृहस्पति और शनि की दृष्टि से समय बड़ा भाग्यशाली होगा। और विजय मुहूर्त 2:21 से 3:10 का समय सफलता कामयाबी से परिपूर्ण होगा। आज का राहु काल 3:23 से 4:56 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, उत्तर दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लक्की कलर रेड होगा, लक्की नंबर 5 होगा। तो मिथुन राशि वालों, आज आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, तकदीर का सितारा बुलंद है, नई नौकरी, अच्छे रिश्ते, धन लाभ का संभावना, शानदार परिणाम, आपका कॉन्फिडेंस आपके जीवन में बड़े लाभ लेकर आएगा। तो मिथुन राशि वालों, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। भाग्य चमक रहा है, भाग्य का सितारा बुलंद है, शोहरत, इज्जत और धन, बड़े बदलाव आपके जीवन में, लाभ और तरक्की। मिथुन राशि के जीवन में सुख भी है, धन भी है, समृद्धि भी है, सौभाग्य भी है, लाभ का सुंदर योग है।